स्टार्ट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बोलिए। वालेकुम अस्सलाम मिस, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मिस, अल्हम्दुलिल्लाह है। वालेकुम अस्सलाम टीचर, अल्हम्दुलिल्लाह टीचर। जी जी शुक्रिया। चलो शुरू करते हैं हम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, है ना? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम यानी शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो नहायत ही मेहरबान है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, बृहन मुंबई महानगर पालिका, शिक्षण विभाग, ऑनलाइन एजुकेशन, उर्दू मीडियम, क्लास 4, डेट 24/9/21, सब्जेक्ट उर्दू, टाइम 8 से 8:40, टॉपिक है हमारा जमाने की किस्में, और मैं हूँ आपकी मौलिमा नाजिरा शेख शऊर अहमद। ठीक है, अब हम सुबह सुबह तो बच्चे जल्द से जल्द उठ गए, बहुत अच्छी बात है ना। सुबह उठकर हमारी सेहत भी बेहतर होती है, तो हमारी और सेहत को अच्छा और चुस्त तंदुरुस्त रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए? वार्म अप करना चाहिए। तो तमाम बच्चे, ये जो मैं एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ, ये आप लोग डेली एक एक बार करेंगे। ठीक है, तो अभी तरह एक एक्सरसाइज में से कौन करेगा? बच्चा बैठे बैठे दोनों हाथ ज्वाइन करके या खड़े होकर? हाँ बेटा करिए। ठीक है, ओके टीचर। मिस मैं कर लूं? हाँ बेटा, आप एक साथ भी कर सकते हैं, चलेगा, बहुत अच्छी बात है। आप कोई भी एक एक्सरसाइज को एक बार कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आपको दिखा, मुझे दिखाई दे रहे बच्चे बैठे हुए। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा, हाँ बहुत अच्छी बात है। आप लोग एक सुबह एक्टिव हो जाएंगे बच्चे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम दुआ पढ़ेंगे। इस दुआ को हमको 3 बार पढ़ना है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा अता फरमा, अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमा। ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों आप लोग इनसे तो अच्छी तरह वाकिफ होंगे। ये हमारे DMC के बीट ऑफिसर है और इनका नाम है मोहतरम जनाब इकबाल रहमतुल्ला सर, है ना। अब है हमारे दूसरे बीट ऑफिसर है BMC के, मोहतरमा आरिफा बाजी। अब हमारे निगराकार है जो हर रोज बच्चों आपको, है ना, ज्वाइन करते हैं, आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो ये है हमारे CNO मोहतरम जावेद मकसूद सर। ठीक है बच्चों, अब मैं जिस स्कूल में हूँ तो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल है, जहाँ हमारे कामों की देखभाल हमें सब ऑर्डर फॉलो करते, ये हमारे प्रिंसिपल है बच्चों, मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा जरीन खान। ठीक है, और मैं जिस स्कूल से हूँ तो मेरे स्कूल है मोहम्मद उर्दू प्राइमरी स्कूल भांडुप सोनापुर। ठीक है, हम चलते हैं, अब चलते हैं हम वाल। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, है ना। तो बच्चों आज जो लेसन हम सीखेंगे ना, तो हमको अमल बहुत जरूरी है। अमल अगर हमारा अच्छा रहा तो हमको अल्लाह ताला जन्नत भी दे सकते हैं, अगर हमारा अमल अच्छा नहीं रहा तो हमको जहन्नुम भी मिल सकती है ना। हम जब यहाँ पर है तो हमारा एक इम्तिहान है, तो हमको क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसकी पहचान करना बहुत जरूरी है, और वो अच्छे जो भी अमल है वो हमारे अमल में लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलते हैं बच्चों आगे। ये है हमारी उर्दू का सरे वर्क, उर्दू बाल भारती
आपकी चौथी जमात में जमात का, आप इससे बखूबी वाकिफ होंगे, है ना बच्चों? यस टीचर, यस टीचर। जमात चारों में आज हम सीखेंगे, बच्चों आइए जबान सीखें, है ना। अब जबान सीखे, हम उर्दू तो बोलते हैं, तो अब इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, तो ये आपको जमाने के बारे में सीखने वाले। बहुत अच्छी बात है बेटा, तो जमाने कैसे, हाँ ठीक है, वेरी बहुत अच्छी बात है आपने बोले, शाबाश। ठीक है, अब देखो हम इसमें सीखने वाले हैं उर्दू ग्रामर, है ना। उर्दू ग्रामर यानी उर्दू कवायद, हम उर्दू में कहेंगे कवायद। ठीक है, जिसमें हम इंग्लिश में ग्रामर बोलते हैं ना, जैसे उर्दू में हम कवायद बोलते हैं। ठीक है, चलो अब हम कवायद, हाँ अब कवायद क्या है, कवायद किसे कहते हैं, कवायद की क्या मायने है, कवायद। हाँ आज आपको मालूम होना चाहिए कि कवायद क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ बच्चों, कवायद जो है जबान को सही सही बोलने और लिखने के कुछ उसूल और जवाबित होते हैं। अब हम जो बोलते हैं, मातृ जबान है हमारी उर्दू, है ना, तो हम कुछ भी तो नहीं बोलेंगे बेटा, तो बोलने से पहले हम सोचते हैं, यानी जुमले हमको बोलना चाहिए सही सही बोलने, तो जबान जो है जबान को सही सही बोलने और लिखने के कुछ उसूल और जवाबित होते हैं। उसूल और जवाबित यानी फुल रूल रेगुलेशन होते हैं सबके, है ना, जैसे स्कूल में जाते हैं तो इतने ही बच्चे आओ, तो ऐसे जबान के भी कुल जवाबित होते हैं, तो इन उसूल और जवाबित को हम कवायद कहते हैं। ठीक है, कवायद के मायने आपको मालूम पड़ा, जिसे कहते हैं कि जबान को सही सही बोलने और लिखने के कुछ उसूल और जवाबित होते हैं, इन उसूल और जवाबित को कवायद कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया कवायद किसे कहते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, अभी आप तस्वीर को बगौर देखेंगे और तस्वीर का मुआयना करेंगे और मुझे बताएंगे आप लोग कि इन तस्वीरों में कैसे। एक बच्चा छोटा था बहुत, फिर वो थोड़ा बड़ा हो गया, फिर वो उससे बड़ा हो गया, फिर वो बड़ा हो गया, फिर वो उससे बड़ा हो गया, बच्चे वेरी गुड वेरी। आपको तस्वीरों से समझ में आ रहा होगा कि हम पहले कैसे थे, छोटे से थे ना, मम्मी ऐसी गोद में उठा लेते थे, फिर हम बैठते हैं, फिर हम रेंगना शुरू करते हैं, हम धीरे धीरे ना रेंगते हैं, बैठते हैं, फिर चलते हैं, फिर हम खुद अपने बल पर चलना सीखते हैं। तो जैसे जैसे ये दौर बीतता जाता है, हमारी उम्र भी बढ़ती जाती है ना, तो अब हम पिछला, अब देखेंगे बच्चों, अब हम और बड़े हो जाते हैं, अब बड़े होकर हम एक दिन बहुत बड़े हो जाएंगे, आप लोग भी देखो अभी है ना, आगे जाएंगे तो बड़े हो जाएंगे कि छोटे होंगे क्या, और नहीं बड़े हो जाएंगे, और एक उम्र ऐसी आएगी जिसमें हम क्या हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, ये जो उम्र है, अब ये जो दौर है ना हमारा पिछला दौर बचपना, हमारी जो है उम्र जवानी, अब बुढ़ापा, ये तमाम जो है आने वाला दौर है ना, तो बच्चे ये दौर को है हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं पता है आपको, जमाने मुस्तकबिल, जमाने हाल, जमाने माजी, जमाने मुस्तकबिल। अच्छा नहीं बेटा, मैं आपको सही बताती हूँ, देखो अब इस तस्वीर में मुआयने से आपको मालूम पड़ रहा है कि हमको हर दौर पे गुजरना होता है ना, हमारी नशोनुमा हर दौर में होती है, तो बच्चों इसको कहते हैं हम जमाने, क्या कहते हैं, हमारा पिछला जमाना, अभी हमारा जारी है, हमारा जो आने वाला है, तो ये है हमारा जमाना। अब हमारे, अब आप लोग बड़े हो जाएंगे तो आप लोग ये कहेंगे ना, अरे हम लोग छोटे थे, हमारे जमाने में देखो कोरोना वायरस जैसी बीमारी आई हुई थी, है ना, तो हम लॉकडाउन लगा था, आपको ये बात हमेशा याद रहेगी। ठीक है, तो देखो बच्चों अब मैं बताती हूँ कि जमाना किसे कहते हैं, है ना, अभी आपको मैंने ये बता दी, लेकिन अब मैं आपको लफ्जों में बताती हूँ जमाना किसे कहते हैं। तो जमाना यानी किसी काम के वक्त को जमाना कहते हैं, यानी काम जिस वक्त में होता है वो उसका जमाना कहलाता है ना। अभी आप बचपन में छोटे हो, आपके जमाने में कोरोना वायरस हुआ, इसमें सब बीमारी की रोकथाम हुई, तो आप बोलेंगे कि हाँ ये जमाने में ऐसा हुआ था, तो किसी काम के वक्त को जमाना कहते हैं, यानी काम जिस वक्त में होता है वो उसका जमाना कहलाता है। अभी आपको समझा जमाना किसे कहते हैं बच्चों। यस टीचर, समझा, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बोलेंगे कि हमारे पास जमाने हैं, तो जमाने हमारे तीन किस्मों के होते हैं,
हमारे जमाने तीन किस्म के होते हैं, जमाने माजी जो हमारा गुजर चुका, जमाने हाल जो अभी हमारा जारी है, जमाने मुस्तकबिल आने वाला है, आगे जो आगे होने वाला है, ठीक है, आएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारे बच्चे, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब ये तस्वीर से आप लोग क्या मुआयना कर सकते हैं, आप लोग बताएंगे मुझे, ठीक है। ये पहले वाली तस्वीर में टूटा फूटा घर है, झोपड़ी बनी हुई है। हाँ बच्चों, तो अब हमको ऐसे घर नजर आते हैं क्या बच्चों, आपको ऐसे घर नजर आते हैं क्या? नो टीचर, नो टीचर। नहीं, ये पहले दौर के घर थे ना, पहले जमाने में ऐसे घर हुआ करते थे, कबीलों के घर, झोपड़ियों जैसे घर, है ना। लेकिन अब हमारे जमाने में, है ना, अब हमारे जमाने में ऐसे बिल्डिंग नजर आती है ना आपको, जगह जगह ऐसी बिल्डिंग नजर आती है। हाँ तो बच्चों, ये जो पहले मैंने तस्वीर बताई वो हमारे माजी की तस्वीर थी, अब ये जो बताई हमारे हाल की तस्वीर है। हाँ बेटा, वेरी गुड। अब देखो, इसके आगे अभी हमको भी पता है कि आप बड़े बड़े टावर्स बन रहे हैं, कितने अभी आपको मालूम है ना, किधर बुर्ज खलीफा बना है दुबई में, तो वैसे भी और बड़े बड़े टावर की तरक्की और तरक्की होंगी हमारे मुल्क में, और टावर बनेंगे। तो देखो बच्चों, आगे मुस्तकबिल में इस तरह के बड़े बड़े टावर्स बने जाएंगे घरों के, बिल्डिंगों की जगह पे, है ना। तो ये हमारा मुस्तकबिल होगा, और डेवलपिंग होंगी और तरक्की होंगी इसमें, ठीक है। अब देखते हैं आगे, आपको ये तस्वीर से भी मायना समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। देखो पहले दौर में आप देखो, ये जो है ना, कबूतरों से पहले पैगाम रसानी का काम किया जाता था, फिर बादशाह जो होते थे वो अपने कासिद को घोड़ों पर इधर से उधर पैगाम रसानी का काम करते थे। अब फिर जैसे जैसे तरक्की हुई, हमारे यहाँ पोस्टमैन आ गए, हम लाल डब्बे में खत डाल देते, ये उठाकर सब जगह, है ना, अपने खत को पहुंचाया करते थे। अब लेकिन देखो बच्चों, धीरे धीरे और तरक्की हुई, और हमारे पास, हमारे घरों में ऐसे डायल वाले नंबर आए, ऐसे बटन वाले फोन आए, है ना। अब हमारे पास ये भी तरक्की करते करते अब हमारे पास क्या आ गया है बच्चों, यानी अब हमको ऐसे ऊपर वाले जो भी फोन है बेटा, वो नजर आते हैं कि हमारे घरों में नहीं, अब हमारे घरों में ऐसे भी फोन नजर नहीं आते। हाँ बेटा, अभी तो सिर्फ मोबाइल नजर आते हैं ना, स्मार्ट मोबाइल। अब आपको देखो, हम लोग पहले गाँव में जाते थे ना, तो ऐसी गाँव की गाड़ी में जाते थे, धुएं वाली गाड़ी जो कोयले से चलती थी, लेकिन फिर, है ना, इलेक्ट्रिक से, लाइट से चलने वाली, बिजली से चलने वाली गाड़ी शुरू हुई। उसके बाद फिर लोकल, आसपास के इलाकों में जाने के लिए लोकल ट्रेन शुरू हुई, है ना। अब देखो बच्चों, इसके आगे कौन सी और फास्ट गाड़ी शुरू होने वाली है, जिसको कहते हैं बुलेट ट्रेन, है ना। अब जब बड़े हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ये ट्रेन शुरू हो जाएंगी। अभी मेट्रो ट्रेन शुरू है ना आपके जोन में, फिर और बुलेट ट्रेन आ जाएंगी जो और फास्ट चलेगी, ठीक है। तो ये हमारे जमाने माजी, हाल और मुस्तकबिल की आपको तस्वीरें नजर आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं हम, आपके दादा जान के पास ऐसा होगा, नानी जान के पास ऐसा रेडियो होगा उनको सुनने के लिए ना, समाचार सुनते थे, ठीक है। अब देखो, जब इसी में जब आता था तभी हम सुना करते थे समाचार, लेकिन गाने वगैरह भी आते थे, लेकिन अब जब हमको सुनना होती तो ये टेप रिकॉर्ड जब ईजाद हुआ था उनके दौर में, है ना, फिर वो कैसे डाल के सुना करते थे जब भी वक्त मिला उनको। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर तरक्की हुई और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आए, यानी दिखने वाले आलात आए। अब दिखने वाले आलात के बाद फिर कलरफुल आलात आए, जैसे जैसे टेक्निक बढ़ती गई, है ना, जिस दौर में टेक्निक बढ़ती गई वैसे। उसके बाद आजकल हमारे घरों में कौन से टीवी नजर आते हैं, स्मार्ट टीवी नजर आते हैं। तो बच्चों, ये जो सारी किस्में थी आप लोगों की, ये जमाने की किस्में थी, है ना, जो जमाना बीत चुका है, जो चल रहा है और आने वाला है। तो जमाने की तीन किस्में हैं, जमाने माजी, जमाने हाल, जमाने मुस्तकबिल। आप अच्छी तरह जहन में बिठा लीजिए,
कि ये हमारे जमाने की तीन किस्में हैं, ठीक है। हाँ अब देखिए जमाने, जमाने माजी, जमाने हाल और जमाने मुस्तकबिल, है ना। तो बच्चों जमाने माजी में जो है वो कल के वाक्यात आएंगे, जो गुजर चुके हैं, है ना, जो गुजर चुके हैं उनके वाक्यात आएंगे कल। जैसे कल आप, आपने क्या पढ़े थे, कल आपने पढ़े थे क्या, सैंडविच बनाना सीखे थे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग ने कल सैंडविच बनाए थे, कितना अच्छे से बनाए थे, है ना। आप लोग भी खुद से काम कर सकते हो। आज जमाने हाल है, आज हम उर्दू पढ़ रहे हैं, कवायद। कल मुस्तकबिल है ना, आने वाला यानी दिन। तो आप उसमें जो भी सब्जेक्ट रहेगा, आप जो मिस पढ़ाएंगे आपको, वो बेहतर तरीके से होगा। तो बेटा कल जो है वो गुजरा हुआ है, आज जो है जो हमारे हाल जारी है, जो हम अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, है ना, तो ये जारी है। और कल जो है आने वाला यानी जो भी होगा वो हमारा मुस्तकबिल होगा। तो ये है हमारे दौर यानी जमाने की किस्में, और हम इनको अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, अभी एक एक देखेंगे हम बच्चों। इसमें नंबर वन है ये जमाने माजी, है ना। जमाने माजी यानी वो जमाना जो गुजरे हुए जमाने में, है ना, वो फेल यानी काम। अब यहाँ पे फेल के मायने ये काम जो हम करते हैं ना बेटो बच्चा, उसको काम कहते हैं, ठीक है। वो फेल जो गुजरे हुए जमाने में किसी काम को करना या होना जाहिर करे, उसे जमाने माजी कहते हैं। ये नंबर एक पर आएगा, वहां गलती से हो गया बेटा, नंबर एक, ठीक है। तो जमाने माजी पहला है, वो फेल जो गुजरे हुए जमाने में किसी काम का करना या होना जाहिर करे, उसे जमाने माजी कहते हैं। समझे आप, यानी जो आपका गुजर चुका, आपने कल पढ़ लिए, आपने सैंडविच बना लिए, माशाल्लाह, वो आपका गुजर चुका, वो जमाने माजी में आएगा, ठीक है। आप देखो जमाने माजी में कौन सी क्लास में थे, आप जमाने माजी में सुवम जमात में थे, है ना, ठीक है बच्चों। आप सुवम जमात में थे तो आप कितने साल के, आप कितने साल के थे सुवम जमात में, आप सुवम जमात में थे तो कितने साल के थे बच्चों, आठ साल के थे। वेरी गुड, ठीक है। अब देखते हैं जमाने माजी के जुमलों के आखिर में था थी जैसे अल्फाज होते हैं, हम आसानी से पहचान सकते हैं जुमले। जमाने माजी के जुमलों के आखिर में था थी जैसे अल्फाज होते हैं। अब इनकी कुछ मिसालें देखते हैं ना। जमाने माजी यानी हम सब माथेरान की सैर करने गए थे, है ना, हम सब माथेरान की सैर करने गए थे। अब कब गए थे, हम जा चुके यानी हम घूम कर आ चुके, सैर व तफरी करके आ चुके, है ना। तो हमको ये जुमला याद है कि हम माथेरान की सैर करने गए थे, ये जमाने माजी का जुमला है। नंबर दो है, किसी गांव में एक किसान अपनी बेटी के साथ रहता था, है ना, किसी गांव में। अब कौन से गांव में है कुछ नहीं, लेकिन इनको मानो में वो रहता था, तो इससे जाहिर होता है कि ये जमाने माजी। आपको मिस ने बताए होंगे, आपको मिस कहानी बता रहे थे ना, तो आपको पता होनी चाहिए कि कहानियां भी जमाने माजी में ही लिखी जाती है। जो कहानियां हो जाती है बच्चा, उसको बच्चों उनको जमाने माजी में ही लिखा जाता है, ठीक है। तो हम था थी जैसे जुमलों से जाहिर करते हैं। अब जमाने माजी का तीसरा जुमला है, रहम दिली और सखावत आप तो रहम खुबिया। अभी हजरत सफिया हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन वो पहले थी, जमाने माजी में थी, उनके बारे में किताबों में है, हम पढ़ते हैं। तो वो कैसी थी, उनके ये जुमले से जाहिर हो रहा है कि वो रहम दिल और सखावत थी, है ना, सखी थी, सखावत दिल की थी, सखी थी। तो बच्चों ये भी जमाना जमाने माजी में कहलाएगा जुमला। अब देखो नंबर चार, कहानियों में लोमड़ी बड़ी चालाक थी, लोमड़ी बड़ी चालाक, कहानी सुनाते हो तो उसमें आप उसका किरदार बताते हो, तो यानी वो चालाक थी, आप उसके बारे में पहले से जानते हो। तो ये ऐसे जुमले जो है जमाने माजी में आएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं जमाने हाल, ये नंबर दो पर है, हाँ बच्चा ये मिस्टेक हो गई बेटा, सॉरी। तो जमाने हाल, कोई काम मौजूदा वक्त में हो तो उस वक्त को जमाने हाल कहते हैं, ठीक है। कोई काम, अभी आप मौजूदा वक्त में, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये मौजूदा वक्त है, आप तालीम हासिल कर रहे हो, ये मौजूदा वक्त है, आप चारुम जमात में
पढ़ रहे हो ये मौजूदा वक्त है, यानी कोई भी काम यानी फेल, ऐसा फेल जो वो मौजूदा वक्त में हो उसे जमाने हाल कहते हैं। आपको इसकी तारीफ समझ में आई बच्चों, किसे कहते हैं जमाने हाल? यस टीचर। ठीक है, अब इससे हम कैसे पहचानेंगे जुमलों में? तो जमाने हाल का आखिर के जुमले मैं हूँ, हूँ, है जिसे अल्फाज होते हैं। हाँ, तो इन अल्फाजों से हम अच्छी तरह से पहचान सकते हैं कि हमारा जो जुमला है ये कौन से जमाने का है। ठीक है, आप देखते हैं इनकी चंद मिसाल। आप देखो ये बहुत ही प्यारी बच्ची है, इसका नाम है आमिना, है ना? आप देखो आमिना प्यारी बच्ची है, आमिना सामने है, मैं आमिना के बारे में बता रही हूँ, यानी ये जारी है, अभी हो रहा है, हाल है। तो आमिना प्यारी बच्ची है, आमिना रोजाना पढ़ाई करती है, मैं आमिना के बारे में बता रही हूँ। अब आमिना बता रही है कि मैं सुबह नमाज पढ़ती हूँ, आमिना भी बता रही है कि मैं तो सुबह नमाज पढ़ती हूँ। ठीक है, सॉरी जमाने हाल है। आमिना और इसकी सहेली सहेली में गहरी दोस्ती है ना? तो ये आमिना बता रही, आमिना और इसकी सहेली में गहरी दोस्ती है, ये अपने बारे में भी बता रही है, हाल में है, और इसके बारे में हम बोल रहे हैं, ये अभी सामने है तो ये हाल में है। तो ये सारी मिसालें जमाने हाल की है। ठीक है, अब है हमारा जमाने मुस्तकबिल, है ना? अभी आप लोग पढ़ रहे हो, अभी अगली जमात में जाऊंगे तो ये आपका मुस्तकबिल होगा, वो फेल यानी वो काम जो आने वाले वक्त में किसी काम को करना या होना जाहिर करे उसे जमाने मुस्तकबिल कहते हैं। हाँ, वो फेल जो आने वाले वक्त में, अब आने वाले वक्त में आप देखो सब्जेक्ट पढ़ेंगे कौन कौन से, उसमें और सब्जेक्ट में इजाफा हो जाएगा। आप आने वाली जमात में कौन सी जमात में जाओगे? पांचवी जमात में, पंचवी जमात में। हाँ, तो बच्चों उसे हम क्या कहते हैं, वो फेल जो आने वाले वक्त में हो या किसी काम का करना हो या होना हो ये जाहिर करे तो उसे जमाने मुस्तकबिल कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे पहचानेंगे जमाने मुस्तकबिल के जुमलों के आखिर में गा गी के जैसे अल्फाज होते हैं। आपको ये याद रखना है ना, ये गा गी के जैसे अल्फाज होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों? यस यस, समझ आ रहा है। वेरी गुड, जमाने मुस्तकबिल की मिसालें देखेंगे। अब कल हम बाजार जाएंगे, अभी तक आप लोग बाजार गए नहीं हो, आपने एक प्लानिंग कर दी है मुस्तकबिल के लिए, हम कल बाजार जाएंगे, है ना? मैं तुम्हें ढेर सारे खिलौने ला दूंगी। अम्मी ने क्या कहा कि जब मैं तुम्हें ढेर सारे खिलौने ला दूंगी, यानी मैं आपको खिलौने लाऊंगी, लाई नहीं अम्मी, लेकिन बोले तो ये जुमले जो है जमाने मुस्तकबिल को जाहिर करते हैं। ठीक है, नंबर तीन है, ये पौधा बहुत जल्द बड़ा हो जाएगा, है ना? अभी बड़ा हुआ नहीं है, अभी हमने लगाए हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि इसको हम रोज पानी देंगे, इसको खाद डालेंगे, नशोनुमा करेंगे, इसकी देखभाल करेंगे, तो ये जरूर एक दिन बड़ा हो जाएगा, बहुत जल्द बड़ा हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, इससे जाहिर हो रहा है कि ये जमाने मुस्तकबिल है। अब नंबर चार है, शाम को आरिफ गांव चला जाएगा, है ना? गांव चला जाएगा, गया नहीं है लेकिन जाने वाला है, तैयारी उसके मुस्तकबिल जाएगा। तो समझ में आता है इनकी जुमलों से कि हमको कि ये जुमले जो है जमाने मुस्तकबिल को जाहिर कर रहे, यानी जमाने मुस्तकबिल। मैं एक जुमला बोलूं? हाँ बेटा, मैं आपसे पूछूंगी बेटा, पूछूंगी। हाँ, अब यादे में मैं आपको यही पूछने वाली हूँ, आप मुझे कोई ये बताएगा कि जमाने माजी के जुमले कितने, कौन बोलेगा? दो जुमले बोलो जमाने माजी। टीचर, एक अंग्रेज ऑफिसर ने इस मकान नहीं, को आप इसे देख के बोलिए, आप अपने से बोलिए। टीचर मैं बोलूं? हाँ बोलिए। जमाने माजी, मैं कल बाजार गई थी। वेरी गुड, और एक जुमला कौन बोलेगा जमाने माजी का? टीचर मैं बोलूं? हाँ बोलिए। मैं कल स्टोर गई थी। उसके अलावा और कोई दूसरे जुमले बोलो बेटा। अच्छे, कल मैंने कहानी की किताब पढ़ी थी। हाँ बोलो। मैं कल सैंडविच बनाई थी। बोलो बोलो।
मैं कल रानी बाग गई थी। अच्छा और कोई बोल सकता है? और कोई? कल मैंने कहानी की किताब पढ़ी थी या बोलो बोलो और उर्दू की किताब पढ़ी थी। अच्छा ठीक है ठीक है बहुत अच्छे वेरी गुड बेहतरीन ठीक है। अब हम अब जमाने हाल के जुमले पूछेंगे। आप बताइए आप जमाने हाल के दो जुमले कौन से आज मैं कुवैत पढ़ रही हूँ। वेरी गुड आज आज मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा शाबाश। और आपको समझ में आएगा बच्चों यानी आप जुमले बनाए यानी मुझे समझ में आएगा क्या आप ड्राइंग करूंगी करूं कर रही हूँ कर रही हूँ। और मैं आज चारुम जमात में तालीम हासिल कर रही हूँ। ठीक है अब हम जमाने मुस्तकबिल की तरफ जाते हैं। अब बताओ जमाने मुस्तकबिल के जुमले कौन बोलेगा? मैं बड़े होकर एक टीचर बनना चाहता हूँ। शाबाश। हाँ आप बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हो आप बड़े होकर टीचर बनना चाहते हो। स्कूल जाऊंगी फिर से। वेरी गुड शाबाश। और एक जुमला बोल दीजिए। और मैं बड़ी होकर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। अच्छा वेरी गुड शाबाश। और कुछ अच्छा बोलिए कुछ कुछ हटकर। मैं पांचवी में जाऊंगी अगले क्लास। शाबाश। अगले साल मैं अपने जाऊंगी और इंशाल्लाह हमारी स्कूलें खुल जाएंगी है ना हम फिजिकली स्कूल जा सकेंगे है ना। वेरी गुड आप लोगों ने बोले कोशिश करे बहुत अच्छी बात है। चलो अब हम आगे की तरफ करते हैं जो है ना बच्चों तो किसी काम के वक्त को जमाना कहते हैं है ना। किसी काम के गुजरे हुए वक्त को जमाने माजी कहते हैं। जैसे यहाँ पे मसलन ये भी मिसाल के तौर पर दिया हुआ है एक अंग्रेज अफसर ने इस मकान को दरियाफ्त किया था है ना। अब नंबर दो है कोई काम मौजूदा वक्त में हो तो उस वक्त को जमाने हाल कहते हैं। मसलन यानी मिसाल के तौर पर है हमें इनकी कुछ सुनाई दे रही है। अब है नंबर तीन आइंदा वक्त में होने वाले काम के वक्त को जमाने मुस्तकबिल कहते हैं। क्या आप अच्छी तरह से ज़हन-नशीन कीजिए आपको याद हो जाना चाहिए। तारीख मिसाल के तौर पर यदि ट्रेन आपको मादेरान पहुंचा देगी आपको ये याद होना चाहिए बच्चों। अगर आप ये जमाने अभी से याद कर लेंगे तो आगे इसकी कई किस्में आप बड़ी क्लास में सीख सकोगे ठीक है। तो आप अगर ये बुनियादी पक्की होंगी तो इंशाल्लाह आगे और भी आप मालूमात हासिल करोगे ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों हमारे। अब आगे कदर पैमाई आपकी किताब पर आप मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। आप अरब का मशहूर शहर खैबर उनका वतन था। आप बताओ ये कौन सा जमाने माजी है। माजी जमाने माजी। शाबाश। जमाने माजी से आलम की होती है जमाने माजी जमाने हाल है। वेरी गुड। और बच्चे बोले क्या ही है जमाने हाल। शाबाश। नंबर तीन पर है मैं भी ढेर सारे खिलौने ला दूंगी। मैं तुम्हें भी ढेर सारे खिलौने ला दूंगी। जमाने मुस्तकबिल। जमाने मुस्तकबिल। नंबर चार है कबूतर को अमन की निशानी समझा जाता है। जमाने हाल। जमाने हाल। अभी भी परिंदे हैं हमको अभी भी परिंदों में कबूतर दिख रहे हैं। जमाने हाल। जमाने हाल है ना। नंबर पांच है परिंदों की तादाद घटती जा रही है। जमाने हाल।
घटती जा रही है, अभी भी हाल है ये, ठीक है। नंबर छह है, ये मेरे साथ खेलेगा। ज़माने मुस्तकबिल, बोलो बच्चों, ज़माने मुस्तकबिल, वेरी गुड। मुस्तकबिल अभी खेला नहीं है, खेलने वाला है। नंबर सात, मगर पूरी थी बड़ी चालाक। अब पहचानो, ज़माने नहीं, ज़माने माजी। यस, माजी। मगर पूरी थी बड़ी चालाक। इसमें थी आ गया जुमले के। आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जुमला यानी बात हो चुकी है, तो मगर पूरी थी बड़ी चालाक, ये ज़माने माजी है। नंबर आठ पर है, परिंदे बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। ज़माने हाल, ज़माने हाल, परिंदे उड़ते हैं काफी ऊंचाई तक, है ना, ज़माने हाल। नंबर नौ है, पूरी कढ़ाई से निकल ज़माने माजी, वेरी गुड, सही है ना, ज़माने माजी भागी, यानी कब भागी हमको नहीं, लेकिन उसका काम उसने कर ली, पूरा हो गया ज़माने माजी। यानी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा है ना, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे ज़माने हाल में, ज़माने माजी में, ज़माने मुस्तकबिल, ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? Yes, teacher. अब है हमारे इकदार की तालीम। इकदार की तालीम है, कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह ना दे। मतलब क्या है कि हाँ बच्चा बात नहीं करो, देखो हम है ना कभी बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, हमको याद हो जाता है, और फिर हम बोलते कि नहीं हमको बहुत आता है, बहुत आता है, सामने बच्चा कम है, हम इसको नहीं आता है, तो हम उसको बोलते ना तुझे नहीं आता, तो क्या हो जाता है, तो मायूस हो जाता है, और आप अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगते हो। तो कभी भी ये गलती मत करना कि हमको बहुत आता है, इस पर तकब्बुर मत करना, और हमको कम आता है, इसमें मायूस मत होना, ठीक है। तो ये है, कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह ना देना, क्योंकि कामयाबी अगर दिमाग में है तो हमें घमंड आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है, और अगर नाकामी दिल में है और हम अगर हम सोचते हैं हम नाकाम होंगे तो उसमें हम मायूसी पैदा कर देती है नाकामी दिल में, और अगर हम मायूस हो गए तो हम तरक्की नहीं कर पाते, हम पीछे से पीछे होके चले जाते हैं। तो कभी भी मायूसी को दिल में ना बिठाए, हम कभी भी सीखे और आगे और सीखने की कोशिश करें, ठीक है बच्चों। तो आपको इकदार की तालीम समझ में आई? यस टीचर। कभी भी आप अपने आप पर तालीम पर घमंड नहीं करना, तालीम को देना, उसको फैलाना, और बच्चे जिनको नहीं आता है वो आप सीखने की कोशिश करें, ये हमारे हजरत अली का कॉल है, ठीक है। चलिए आज का होमवर्क, आपका घर काम, ठीक है, आपका घर काम है ज़माने माजी, ज़माने हाल और ज़माने मुस्तकबिल, है ना। तो ये बच्चों ये तीनों ज़माने के आपको पांच पांच जुमले लिखना है, ठीक है। ज़माने माजी के भी पांच जुमले लिखिए, ज़माने हाल के भी पांच जुमले लिखिए, ज़माने मुस्तकबिल के भी पांच जुमले, ठीक है। तो बच्चे आप लोग लिखेंगे ना सोच सोच के? यस टीचर, मैं लिखूंगी। जैसे मैंने आपको बताया ना, था थी थे, ये तीनों भी जुमलों में आना चाहिए, ज़माने हाल है हूँ है, ये भी तीनों भी जुमलों में आना चाहिए, और ज़माने मुस्तकबिल गा गे है ना गए, ये तमाम जुमलों में आना चाहिए। एक ही जुमलों को मत आप अलग अलग करना, यानी हर माजी में अलग जुमले लिखना, ज़माने हाल में अलग लिखना, ज़माने मुस्तकबिल में अलग लिखना। तो आप कोशिश करिए तो आपको इंशाल्लाह समझेगा और आ भी जाएगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों आपको? ज़माने अच्छी तरह से समझ में आए? यस टीचर। तो बच्चों आप लोग सुबह सुबह उठे, आपने लेक्चर लिए, आपने समझे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज टीचर। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर। सर।